मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला रिज में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 62वें राज्य स्तरीय राइजिंग डे कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस वर्ष पहली बार राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कमांडर विनय कुमार के नेतृत्व में 17 टुकड़ियां परेड में शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला गृह रक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने और प्रदेश के बाहर तैनाती के दौरान गृह रक्षकों के दैनिक भत्ते को 60 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने की घोषणा की, जिसके लिए आगामी बजट में प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गृह रक्षा बल को सुदृढ़ करने के लिए 700 रिक्त पदों को भरेंगी। पहली बार ये राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है और पिछले वर्ष भयंकर आपदा आई है, 551 के करीब लोग हमें छोड़कर चले गए, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, 23,000 घर आंशिक रूप से और पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए। SDRF ने पिछली बार होमगार्ड के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और जब हमारे नए ADGP आए, इन्होंने कहा कि हमें इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इनका हमने ये आज राज्य स्तरीय राइजिंग डे रिज पर हमने मनाया और आपने देखा किस प्रकार SDRF और होमगार्ड के जवान काम करते हैं, आग बुझाने के किस तरीकों को किस आग में किस चीज़ से बुझाना है उसका भी उन्होंने आपको आज प्रस्तुत किया, सिलेंडर कैसे बुझाना है, दूसरी गैस कैसे बुझानी है, फिर बाढ़ में फंसे हुए लोग जो है, लैंडस्लाइड्स में फंसे हुए लोग जो हैं, और कोई भी आपदा आती है प्रदेश में उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देश विश्व पूरा क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रहा है। और आप आज हिमाचल का भी दिसंबर में भी हाल देख लीजिए कि ड्राई स्पेल चल रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है, तो आप जो भविष्य की चुनौती है उसके लिए हमने इस ड्रिल का भी प्रदर्शन किया और हमने कैसे आधुनिक तरीके से आगे हमने ये इस चुनौती का सामना करना है। ऐसा है कि ये बीच में जब कार्यक्रम होते हैं तो थोड़ी बजट की दिक्कत होती है, अब मैं बजट से पहले की ये 4 महीने पहले की अब ये घोषणा है, तो ये बजट में अगली बार फाइनेंशियल जो आएगा उसमें एलोकेशन ऑफ बजट ऑटोमेटिकली हो जाएगा मेरी घोषणा के बाद, तो नेचुरली है कि उसके बाद हम उसको बजट दे देंगे ताकि और टेक्नोलॉजी बेस्ड चले। और आपको मैं बताना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश में अब हम ड्रोन स्टेशन भी बनाने जा रहे हैं, जिस तरह बस स्टैंड बनते हैं ना बसों के लिए बस स्टैंड, उसी तरह बस स्टैंड में या और जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम ड्रोन स्टेशन भी बनाएंगे ताकि जो आपका मटेरियल है वो ड्रोन के माध्यम से भी पहुंचाया जा सके। अब हम हैवी लोड उठाने वाले ड्रोन खरीदने जा रही है सरकार और इसकी प्रेजेंटेशन एक होगी है, कई चरणों से देखना पड़ता है कि कैसे हमने खरीदना, तो इस स्थिति में SDRF को ड्रोन से भी सुसज्जित किया जाएगा और इनकी नई बिल्डिंग का भी हम शिलान्यास पालमपुर में इस जब मेरा विंटर कांगड़ा का दौरा होगा उसमें उसका शिलान्यास भी किया जाएगा। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।